छपरा नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्र में धूल कण के प्रभाव को कम करने और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से डाक बंगला रोड के दोनों ओर वॉल क्रीपर प्लांट का रोपण किया गया। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि इन वॉल क्रीपर प्लांट की मदद से लोगों को धूल कण से राहत मिलेगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि धूल कण से आमतौर पर लोग परेशान दिखते हैं, ऐसे में वॉल क्रीपर प्लांट के बड़े होने के बाद यहां धूल कण की कमी आएगी, जिससे लोगों को सुविधा होगी। साथ ही नगर निगम क्षेत्र काफी सुंदर दिखाई देगा। उपमहापौर रागिनी कुमारी ने बताया कि लगभग 150 पौधे फिलहाल लगाए गए हैं। नगर निगम के द्वारा लगाने का मूल उद्देश्य है कि हमारा जो छपरा है इसको हम लोग शुरुआत के हैं कि हम लोग को अभी विजन है कि छपरा अपना हरी छपरा की तरफ अग्रसरित हो और जो प्रदूषित सूचियों के शहर में है, चाहते कि इस वृक्षारोपण के माध्यम से शहर का जो प्रदूषण है कम से कम इसको कम आका जाए, इसलिए हम इस पर कार्य कर रहे हैं। बेसिकली 4-5 तरह का क्रीपर्स है, वो जो हम लोग अभी नेट लगाएंगे तो उसमें वो चढ़ जाएगा और ये पूरा फैल जाएगा, तो इस पूरा डाक बंगला का ये हम लोग लिए हैं क्योंकि दीवार भी है तो आराम से लग चढ़ सकता है और पेंटिंग भी हमारा इसमें करवाएंगे जैसा पटना के स्तर पर होता है, तो उसका भी हम लोग फाइनलाइज कर लिए हैं टेंडर वगैरह और हम लोग कार्यदेश मतलब आजकल में दे देंगे। तो बिल्कुल जो यहाँ पे लोगों का है कि हरदम गंदा रहता है, तो एटलीस्ट हम लोग फेज वाइज में स्टार्ट कर रहे हैं इधर से और फिर आगे जहाँ जहाँ दीवार लगे वहाँ भी पेंटिंग हम लोग करवाएंगे। पूरे 150 पौधे लगाए जा रहे हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र में कि ताकि हमारा छपरा और भी सुंदर बन सके और भी अच्छा दिख सके और धूल से लोगों को निजात मिल सके, ताकि क्योंकि अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ेगा और ये जो पौधा है वो पूरा दीवार पे फैल जाएगा, तो इस वजह से हम लोग छपरा का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए आज प्लांटेशन कर रहे हैं। सर इसका नाम कुंद का पौधा का नाम है, ये फ्लावरिंग के साथ फैल कर मतलब अपना साग पात बनाएगा और दीवार को पूरी तरह से ढक लेगा, हरा भरा प्लस फ्लावर फूल साथ में रहेगा, जी फूल भी रहेगा, फूल के साथ हरा भरा। ये सर इसको अभी ग्रोथ होने में मिनिमम 6 महीने कम से कम लगेगा, 6 महीने के बाद ही प्रॉपर केयर होगा, अगर देख रेख में तो 6 महीने के बाद सर ये अपना रूप धारण कर। Thank you.